हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास अप टू पढ़ी कैटालीसिस बोले टाइप्स ऑफ कैटालीसिस होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सब देखते हैं बोले आ तार फेज डिफरेंस देखते हैं किए स्पीड अप कर पार्टी रिएक्शन को आ किए स्लो डाउन कर पार्टी प्रमोटर पॉइजन एगुरा सब पढ़ी बोले तो आज देखिए तार आ किसी पार्ट एट दुई मार्क क्वेश्चन बोले सेफ सिलेक्टिव कैटालीसिस बाय जिओलाइट। ये जिओलाइट द्वारा कौन सेफ सिलेक्टिव कैटालीसिस दैट मीन्स ये जिओलाइट भी गोटे कैटालिस्ट बोले ये कौन करुचे मैंने ये जो रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आउ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रो साइज उपरे साइज देखिके ये कौन करिवो ये ताको सरफेस दबो पिले रिएक्शन करया पई हला पिले दैट मींस जिओलाइट रे किछो पोर थियो पिले छोटो छोटो होल गुडा थिवो माइक्रो पोर गुडा थिवो से पोर भीतर कौन हबो ए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डागा सेटी सेट हेबे देन सेटी कौन हो पिले इंटरमीडिएट बने के प्रोडक्ट तैयार करिवे जो प्रोडक्ट तैयार करिवे पिले से प्रोडक्ट रो साइज मध्य डेफिनेट हियर अछि दैट मींस जिओलाइट रो पोर साइज थारो तुम देखि पड़ो चित्र ई चित्र देखो पिले ये छोटे छोटे पोर अछि पिले जो माइक्रो पोर भितर से भितर फर्स्ट आसी कौन रिएक्टेंट रहइबो तो रिएक्टेंट साइज ताडु बड़ो हेले तो सेटी फिट हबो नै ए छोट होबार अछि नहले साइज ठीक ठाक हबा जे से पोर साइज ए जिओलाइट रो पोर साइज सहित रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गुड़ाकर पोर साइज समान होबार अछि बा तार टी कम होबार अछि यदि से प्रोडक्ट बने प्लेस से प्रोडक्ट साइज मध्य होल रो साइज से बड़ होबा नै जदि बड़ हेगला जदि रिएक्शन हेला पर पले जदि प्रोडक्ट रो साइज बड़ हेगला जिओलाइट रो पोर साइज थारो दैट मीन से आउ से बाहर बने से टाइट रही जीव तो तेणु करे ए जे प्रोडक्ट रो साइज आ रिएक्टेंट साइज जिओलाइट रो पोर साइज थारो छोट हवा दरकार हेले जाय ये कौन करि पारिबो दैट मीन्स से कैटलाइज करि पारिबो तें करि बिले जिओलाइट समस्त को कैटलाइज करि पारिबो नै किछि निर्दिष्ट रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट रो साइज उपरे डिपेंड पिले दैट मीन्स तें करि ये समस्त जेहेतु कैटलाइज करिबो नै पार्टिकुलर केतेटा रिएक्टेंट को कैटलाइज करके प्रोडक्ट बनै पारिबो पिले दैट मीन्स पर केतेटा सिलेक्टिव रिएक्शन रे ही जिओलाइट यूज हो पार तो देखा आम कौन देखे द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जिओलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कहीं रिएक्टेंट जी आस फिट हेबार अच्छे प्रोडक्ट जे बाहर ता साइज बड़ नहबार अच्छे तेणुक बोथ प्रोडक्ट आ रिएक्टेंट साइज ए जिओलाइट रो मॉलिक्यूलर साइज ए जो मॉलिक्यूलर पोर भितर है बोले तार पोर साइज पर डिपेंड तुम बड़ नहबार अच्छे हेला बोले तो देख आउ पढ़ आम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जिओलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू दोज ऑफ पोर्स और कैविटीज ऑफ द जिओलाइट मैंने देख बोले से छोट छोट माइक्रो पोर बोली भाव बा से जो माइक्रो कैविटी गुड़ाक बोले बहुत छोट छोट कैविटी गुड़ाक तुम देख पार चित्र सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट जेहेतु ये कैटलिस्टा सेप अनुसार चूज करुचे बा सिलेक्ट करुचे तेनालीराम कह बिले सेप सिलेक्टेड कैटालीसिस जिओलाइट आर माइक्रोपोरस आलुमिनियम सिलिकेट विथ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर ए जिओलाइट गुड़ा बिले बहुत छोटे छोटे पोर थिबा हला जिओलाइट भितर बहुत छोटे छोटे पोर गुड़ा थिबो एगुड़ा होची बिले आलुमिनियम सिलिकेट गुड़ाक हला ए जिओलाइट गुड़ा होची आलुमिनियम सिलिकेट एडा कैटालिस्ट आगो ते स्ट्रक्चर होची बिले हनीकॉम हिंदी मोह भिणा बोले छोट छोट देख पोर गुड़ा थोड़ी सी हनी थी सेमती बोले ये कौन थी ए जिओलाइट छोट छोट होल थी एम्प्टी होल गुड़ाक से होल जाइए रिएक्टेंट गुड़ाक जमा हे पुण से रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट होगी बाहर है बोले तो जिओलाइट कौन जापार तुम्हें जिओलाइट्स आर वाइडली यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन प्राय पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यूज करा जाए बोले तो देख जिओलाइट डिफरेंट माने फॉर्म गुड़ा अच्छे से मधुर बोले जेड एस एम फाइव कन्वर्ट द अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलिन्स माने ये कौन करिया बोले ये जो कैटालिस्टा अल्कोहल को गैसोलिन कन्वर्ट करिया पे हेल्प करिवो कैटालाइज करिवो बोले दैट मीन्स कौन हबो तो देखो ये जो गैसोलिन कौन बोले गैसोलिन प्रायत तो ये जो एरोक्राफ्ट गुड़ा यूज हुए ये जो फ्यूएल फ्यूएल हिसाब से गैसोलिन गुड़ा यूज हुए हला बोले ये हूँ जिओलाइट देख बोले कैटालीस्ट यूज इंडस्ट्री ये जो कैटालीस्ट गुड़ाक किसी इंडस्ट्री यूज कराऊे से कौ प्रोसेस यूज कराऊे आउ कैटालीस्ट कौन यूज आम जाना है जानवा कथा यहाँ देख बोले हावर्स प्रोसेस एमोनिया तैयारी कराई एटा आम लिजिकल प्रिंसिपल पढ़ी बोले दैट मीन से कौन हम एमोनिया गैस आसो तो ये बड़े कौन हो बोले कैटालीस्ट यूज कराऊे आयरन को
ହେଲା ବେଲେ ତା ସହିତ ପ୍ରମୋଟର ଦିଆ ହେଉଛି ମଲିବିଡନମକୁ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେଠି ଆଇରନ୍ ଆଉ ମଲିବିଡନମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ତ ହାୱ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମୋନିଆ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ହେଲା ବେଲେ। ତ ଅଷ୍ଟୱାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ବୋଲେ ତ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ HNO3। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରୁଛି ୟା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ଲାଟିନାଇଡ଼ ଆସବେଷ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ ବୋଲେ 300°C। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବୋଲେ ସଲଫ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ସଲଫ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଦେଖ ତ ଏଇଠି କାଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଏଇଠି ବୋଲେ ପ୍ଲାଟିନାଇଡ଼ ଆସବେଷ୍ଟସ୍ ନିଆଯାଏ। ଟେମ୍ପରେଚର୍ 400-450°C ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖ ବୋଲେ ଡେକନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ 17 ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ୟାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଗ୍ରୁପ୍ 16 ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ 14 ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲା ବୋଲେ ଗ୍ରୁପ୍ 15ରେ ପଢ଼ିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହେଲା ବୋଲେ ସେଠି ଦେଖିଦେବ। ତ ଡେକାନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ବୋଲେ ଏଇଠି କ୍ୟୁପ୍ରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବୋଲେ କାଟାଲିଷ୍ଟ ନିଆଯାଏ। ଟେମ୍ପରେଚର୍ 500°C ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ ହେଲା ବୋଲେ। ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଅଭାବରେ। ତ ଦେଖିବା ବେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମେ ତ କାଟାଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବୋଲେ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା ବୋଲେ। ତ ଆଗ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖ ବୋଲେ ଅଲ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ କାଟାଲାଇଜଡ଼୍ ବାଇ ସ୍ପେସିଆଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଟାଇପ୍ର କାଟାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର କଲ୍ଡ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ବାୟୋକେମିକାଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାଟାଲାଇଜ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କାଟାଲିସିସ୍ ବୋଲି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କହିବା। ଅଲ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍। ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ତିଆରି ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଥିବ ହେଲା ବୋଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ଲାବୋରେଟରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1969 ହେଲା ବୋଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ସିମ୍ପଲ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ ଖାଉଛୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ ଖାଉଛୁ ତ ମିଲ୍ସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ସେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଦେଖ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତୁମମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ କରିଥିବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ ତୁମକୁ ଭୋକ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତୁମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ଟା ଖାଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାକୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇଛ ବୋଲେ ଅପ୍ ଟୁ ଗୋଟେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରୁଛ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ 12 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଇଭିନିଂରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ମିଲ୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ହେଉଛି ବୋଲେ ବିକଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କରାଇଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ କରାଇଦେଉଛି ବୋଲେ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠୁ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବ ଯାହା ଆମ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ସେ ଏସିମିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କ'ଣ ଡାଇଜେସନ୍ ପସିବଲ୍ କି? ହଁ ପସିବଲ୍, ମୁଁ କହିବି ହଁ ପସିବଲ୍। ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ତୁମେ ମିଲ୍ସଟା ଖାଇଲ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ସେ ତୁମକୁ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ କାଟାଲିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ କରାଇଦେବେ ବୋଲେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିବା କଥା 5 ଘଣ୍ଟାରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇମେଟିକ୍ କାଟାଲିସିସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ କାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲେ ଏମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କାଟାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ କେଉଁ ଯାଏଁ କରିପାରିବ 10 to the power 10 times ଯାଏଁ। ବଟ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ପାୱାର୍ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ପିଲେ କେମିତି ଜଷ୍ଟ କହିଥାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ଆଉଥରେ କହିବି। ସିଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ 10 to the power 20 times ଯାଏଁ ଫାଷ୍ଟ କରାଇଦେଇପାରିବ। ଜାଣି ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ 1 to 20 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ବଥା ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିବ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ନା।
तो सिंपली भाव बोले जो इंडक्शन हम इंडक्शन कौन हेल्ले तुम जहाँ खाई डाइजेसन हो ना तो डाइजेसन करा एक्सट्रा किसी नाक पड़े इधर एंजाइम ना एक्सट्रा किसी गोटे जिनस नहीं कि डाइजेसन करा पड़े पिले बुझीपार दैट मीनस सेमती यदि नर्माल डे रे पिले तुम नर्माल अच तुम जो गोटे टीफिन खाइल तुमको तीन चार घंटे तुम भोक लगुचे दैट मीनस केमी बजिल एंजाइम तुम फूड को डाइजेस्ट करदेला से एनर्जी आउ न्यूट्रन गुड़ाक एसिमुलेट करदेला है दैट मीनस से जल्दी हो जाऊँगी जदि न था बहुत लेट होता है तो खाली डाइजेसन ना बहुत गुड़े जगह एंजाइम यूज कराए है तो देख जो एत टाइम लगुला कम समय ये रिएक्शन संपादन करदे कैटलिस्ट है तेणुक आम एंजाइम कहले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोले तो देख पे ये कौन अच्छे कैन सुगार ये जो सुगार टाक पीले कौन करें हाइड्रोलिसिस करवा कह जिन ये इनवर्टेज है एंजाइम दवा प्राय तो देख बोले जितकी तुम एंजाइम पड़े लास्ट को ए जिई है ए जिई पढ़ तुम इनवर्टेज माल्टेज ए एस सी है ए सॉरी ए एस सी प्रायत आसतब ए एस सी है ना इनवर्टेज माल्टेज यूरेज ए एस सी लाख लगुव पे प्रायत से कौन हो पे एंजाइम भाया कम कर तो देख ये केन सुगर हाइड्रोलिसिस पे जो एंजाइम आम यूज करवा सी हूँ इनवर्टेज दैट मीन इनवर्टेज हाइड्रोलाइजेस सुगर कैन सुगर दैट मीनस सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवेन टू ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज है दैट मीनस इनवर्टेज कौन कर कैन सुगर को हाइड्रोलाइज करके ग्लुकोज आउ फ्रुक्टोज दे पार पे ए एंजाइम है नेक्स्ट जीवा ग्लुकोज को पुणी देख पे ये कौन हम ब्रेकडाउन करके आमको दे पार पे अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आउ कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एंजाइम के ये हूँ जाइमेज जाइमेज एंजाइम डिकम्पोजेस ग्लुकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो देख माल्टोज है तो माल्टोज ए सुगार केन सुगार प्राय फॉर्मूला सेम आस तो देख फॉर्मूला सेम बट से अरेजमेंट ये अलग थी तेणुक देख समस्त स्वीटने सामान नाला बस केमिकल फॉर्मूला सेम माल्टोज भी देख बोले एम सब सेम टाइप रहा स्वीटेनिंग एजेंट गुड़ा सब मीठा लगे सब है ना माल्टोजा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवेन याक तुम हाइड्रोलिसिस कर माल्टेज देख एस लगे माल्टेज एंजाइम प्रेजेन्स जिते आम हाइड्रोलिसिस करवा तो आम पाइज बोले दुईटा ग्लुकोज मलिक्यूल पाइज आम है तो सीम देख यूरिया है तो यूरिया हूँ आमर एन एच टू सी ओ एन एच टू आपको जो आम हाइड्रोलिसिस करवा आम यूरेज एंजाइमटा दबा यूरेज एंजाइम कौन कर पे या हाइड्रोलिसिस करके आमको एमोनिया देदेब आउ कार्बन डाइऑक्साइड देदेब है जैसे आम बुझीपारे एंजाइम गोटे रिएक्शन को कैटलाइज करके जल्दी रिएक्शन को संपादन कर दिए मानने एंजाइम रिएक्शन गुड़ाक बहुत फास्ट पिले है जो आम कैटलाइटिक रिएक्शन गुड़ा देखे पे है सॉलिड कैटलिस्ट लिक्विड कैटलिस्ट देखिए आम देखे पे ताठूर बहुत स्पीड हो पार है जेनेली कह गए एंजाइमेटिक कैटालीसीस आर फास्टर देन कैटालीटिक रिएक्शंस है तो बुझीपार तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालीसीस ये जो एंजाइम कैटालीसीस के कैरेक्टरिस्टिक देखा पे फिर देखा स्पेसिफिसिटी माने ये जो एंजाइम गुड़ाक पार्टिकुला रिएक्शन पर स्पेसिफिक है दैट मीनस कौन हम जदि जो एंजाइम गोटे रिएक्शन में यूज होजे से एंजाइम आउ गोटे रिएक्शन में यूज हम ना जदि यूज होगा पे कौन हम देखा देख लगे स्पेसीफिसीट मानने गोटे पार्टिकुला रिएक्शन में स्पेसीफिक हे इच एंजाइम इज स्पेसीफिक फर ए गिवेन रिएक्शन दैट इज वन एंजाइम कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन गोटे एंजाइम गोटे रिएक्शन रु अधिक रिएक्शन को कैटलाइज कर पारना तो देख गोटे एक्जामपल दे बोले ये यूरिया को आम हाइड्रोलिसिस करवा यूरेज एंजाइम दे के तो कौन दब से एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा जितेबाला कि आम कौन गोटे हाइड्रोजन उठे के पेले गोटे आम मिथाइल ग्रुप टा लगेबा तो लगे कौन हम यार सब्स्टिट्यूटेड एमोनिया नहींजा तो सब्स्टिट्यूटेड एमोनिया सहित जिते पीले आम यूरेज एंजाइम दे कि हाइड्रोलिसिस करवा तो कले कौन हम मान यो रिएक्शन किसी हो पे तो रिएक्शन कहीं हो
कहीं यूरेज एंजाइमटा ये रिएक्शन स्पेसिफिक से एंजाइम जब आउ गोटे रिएक्शन जब आम यूज कराइले दैट मीन से रिएक्शन हम ना दैट मीन बुझीपाल बोले गोटे एंजाइम गोटे रिएक्शन काम कर सब रिएक्शन काम करना ये एंजाइम कैटालिसिस गुड़ाक बुझीपार तो सेमती सेकेंड एग्जाम्पल देख बोले ये आम सुक्रोज नहींचे है ये आम से सुगर कैन सुक्रोज जगह से गोटे टाइप रहा बुझीपार दैट मीन्स से गोटे फैमिली बिलंग कर सब दैट मीन्स यार हाइड्रोलिस कर आम इनवर्टेज एंजाइम देला बोले तो इनवर्टेज एंजाइम देखे कौन हम ग्लुकोज और फ्रुक्टोज जेनरेट होला बोले जदि कौन करें देख आम कौन कर माल्टोज नहीं जावा है माल्टोज बोले आम माल्टेज एंजाइम देवा पड़ो तो माल्टोज आउ शुक्रज एम बिले मैंने सेम फैमिली बिलंग करेंगे कि एरेंजमेंट गुड़ा अलग अलग तो तेणुक ये जिन तुम्हें बायोमोलिकल से पढ़ा बोले लास्ट चैप्टर अच्छी तो ये मन रखी था केमिकल फॉर्मूला सेम बट एम अलरेडी डिफरेंट है बोले तो माल्टोज ये हाइड्रोलिसिस करा बोले माल्टेज दे किए तो कौन हम आमको दुईटा ग्लुकोज मिलेगा बोले गोटे कौन मिलेगा गोटे ग्लुकोज आ गए फ्रुक्टोज मिलूँ है बोले एम केमिकल फॉर्मूला सेम बट ये सेम नुहते ग्लुकोज रे प्रॉपर्टी अलग फ्रुक्टोज प्रॉपर्टी अलग माने फ्रुक्टो टे बेसी मीठा लगे बोले ग्लुकोज टे अपेक्षा कम मीठा लगे है ना बुझीपाल बस केमिकल फॉर्मूला सेम तेणुक ये गोटे रिएक्शन ये गोटे रिएक्शन ए रिएक्शन ग्लुकोज फ्रुक्टो मिलूँ रिएक्शन केवल ग्लुकोज मिलूँ है बोले दैट मीन से इनवर्टेज एंजाइम आपको कैटालाइज करुच्छे माल्टेज एंजाइम कैटालाइज कर दैट मीन से गोटे गोटे रिएक्शन स्पेसिफिक बोले आ देखा ये जो एंजाइमेटिक कैटालाइसिस गुड़ा एफिसीयसी तो मुझे कहली गोटे मिल्क को डाइजेसन करने पाँच घंटा लगुचे विदाउट जदि एंजाइम प्रेजेन्स देखा से गोटे मिल डाइजेसन पचास वर्ष लगे देख पांच घंटा कौटी पचास वर्ष कौटी है बोले दैट मीन्स बहुत टाइम यहाँ बोले दैट मीन्स एत जो टाइम लगे कम रिड्यूस करें अप टू से कम टाइम को आनी दे मैंने कम समय ये डाइजेसन कराइदे तो केमी पसबुल बोले बिकज एम हाइली एफिसीयंट है बोले जो एंजाइम कैटालिसिस गुड़ाक बोले एंजाइमेटिक कैटालिस्ट गुड़ाक बहुत एफिसीयंट एंजाइम्स आर वेरी एफिसीयंट कैटालिस्ट दे स्पीड अफ द रेट अफ रिएक्शन अप टू 10^20 10^20 बोले आम कैटालिटी रिएक्शन देखे 10^10 से कैटालिटी रिएक्शन 10^10 ये कौन हो बोले स्पीडटा अधिक अच्छे मानने ये गोटे रिएक्शन को बहुत स्पीड कर दे पारे दैट मीन्स एंजाइमेटिक कैटालिस्ट गुड़ाक ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन गुड़ाक बहुत फास्ट रिएक्शन बोले दैट मीन्स बुझीपाली ये एफिसीयसी थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक देख बोले एंजाइमेटिक कैटालिसिस हाइली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर है बोले देख ऑप्टिमम टेम्परेचर बुझेबार तो मुझे कही दौचे देख घरे डॉक्टर मैंने जो आमको देह खराब होता फीवर होते जो आम बॉडी टेम्परेचर रेज जाए कम पारासीटामल टैबलेट खाऊ बोले दैट मीन से आम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर जदि पारासीटामल खाइले मतलब टेम्परेचर कमुन टेम्परेचर बहुत अच्छे तो देखी थी घरे कौन कर माँ मैंने ये जो पानी रो पट्टी कौन करेंगे ये जो ओदा कपड़े करके आम मुंड रखी टेम्परेचर धीरे धीरे कमे बोले ए रीजन कौन है कहीं ये फीवर है टेम्परेचर बढ़ीगले एत प्रॉब्लम है बोले दैट मीन तुम से प्रॉब्लम बोले तुम फिल कर एक्चुअली से प्रॉब्लम अच्छी ना नहीं है फीवर तो हेल्ले प्रॉब्लम आपिले कि टेम्परेचर अधिक बढ़ीगले कौन मेजर प्रॉब्लम अच्छे कि ये जिन जान ना आज जानवा कहीं हाई टेम्परेचर हेले आमको प्रॉब्लम बा कौन प्रॉब्लम हो पाए है पे तो देख हाइली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर जाना पीले द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम्स मैक्सिमम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर है पे ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन गुड़ाक गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज भितर से अधिक रोले कह आम ऑप्टिमम टेम्परेचर जदि से ऑप्टिमम टेम्परेचर रु अधिक टेम्परेचरटा से ऑप्टिमम टेम्परेचर भितर बिले ऑप्टिमम टेम ए जो टेम्परेचर है बोले ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ठार जब टेम्परेचर बढ़ी जब एटा भी प्रॉब्लम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज भितर बिले टेम्परेचर कमी जब एटा भी प्रॉब्लम एत रेंज भितर रहीबार अछि है बोले तो देखिबा से रेंज कौन 298 केल्विन टू 310 केल्विन दैट मीन्स आम बॉडी टेम्परेचर पाखापाखि रहउछि है बोले ये हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजटा तो देख ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन है बोले तो यहाँ केल्विन रे कहे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन इज यूज्ड फॉर एंजाइम माने
ये 310 ए जो केल्विन टा पिले आम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज भीतर पड़े आसी दैट मीन्स ए जो आमर जति की बॉडी रे एंजाइमेटिक कैटालिसिस होउछि पिले ता पई टेम्परेचर सुइटेबल दैट मीन्स कोन हबो देखो यदि अधिक माने ए जो टेम्परेचर रेंज भीतर कोन हबो फीवर होले अधिक हो जाए जनरली टेम्परेचर बढ़ी जाए टेम्परेचर जदि बेसी बढ़ जियो पिले कोन हबो एते हाई टेम्परेचर रे एंजाइम गुडाक इनएक्टिव हो जाए माने काम करियो नै जदि काम करियो नै पिले आमे माने सडन डेथ भी हो पार है ना तो जदि अधिक टेम्परेचर हेले प्रॉब्लम कहीं ना एंजाइम गुडा वर्क करवा बंद करदे एंजाइम वर्क करवा बंद करदेव आ कि हम ना कौन से रिएक्शन हम एंजाइम रिएक्शन हम जहाँफल पिले सडन डेथ हबार पजिटिव था तेणुक आम कौन कर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रखा पड़ो जदि फीवर है टेम्परेचर बढ़ी जाऊँच पिले आम जाइए पाँच पटी दबा ना पारासीटामल देखिए तार टेम्परेचर डाउन करके पुणी थे ए रेंज पाया पड़ा ए रेंज जब पिले अधिकला बहुत प्रॉब्लम एंजाइम गुड़ा काम करना दैट मीन्स सडन डेथ होगा पिले जान लें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचरटा हूँ ये ए रेंज आसे तेणुक ये जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन ए टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर सुइटेबल पिले तो देखा यार देखा पीएच माइंड रखे पिले ये यार किसी पीएच मीनिंग अच्छे यार इम्पोर्टेंस ये किसी अच्छे पिले हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम पीएच रेंज तो आसपार अच्छे पीएच जदि बेसी बढ़ जाए मैंने बेसिक लेवल बेसी बढ़ी हम ना पीएच जदि पिले कौन हम बहुत कमिगले एसीडिक दैट मीन्स बेसी एसीडिक हम नहीं बेसी बेसिक हम नहीं गोटे डेफिनेट रेंज भर रहीबार अच्छे ये जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस एगुड़ाक है पीएच रेंज भर आसबार अच्छे तो पीएच रेंज देखा आम रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच माने ये जो ऑप्टिमम पीएच रेंज हो पिले ये जो ऑप्टिमम पीएच रेंज हो पिले 5-7 भीतर रहिबार अच्छे एति पीएच भीतर रहिले एका आमर एंजाइम गुड़ा काम करिवे नहले काम करिवे नै हला पिले माने एति रेंज भीतर पळे आसी माने बेस्ट वर्क करे से माने हला भलो वर्क जदि पीएच कम गिला कि पीएच बढ़िले एति रो एन से माने वर्क करिवे नै दैट मीन्स सडन डेथ होवार चांसेस थिवो तेनि करे आम बॉडी देखो बोले पीएच पाखापाखी 7 अच्छे पाखापाखी नियरली 7 अच्छे है तो नियरली 7 रे मैनेजेबल यार पाखापाखी अच्छे तेणुक आम एंजाइम गुड़ाक भल वर्क करदे 7 पर 8-9 आड़े पड़े बोले बहुत प्रॉब्लम होट मीन तो बुझीपुर ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट देखा पे तो है 4 नंबर है 5 नंबर 6 नंबर ए दुटा क्यारेक्टरीस्टिक देखिकी आम आर मेकानिजम देखा पे 5 नंबर देख पिले एंजाइम एक्टिवेटर्स और को एंजाइम ये जो एंजाइम को जी एक्टिवेट करा आम एंजाइम एक्टिवेटर है जी तार परफॉर्मेंस बढ़े देव आम एंजाइम एक्टिवेटर बा को एंजाइम बोली द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इज इनक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस किसी सब्सटेंस प्रेजेंस कौन हम एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी जाए पे आम को एंजाइम इफ प्रोटीन कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन इट्स एक्टिविटी एनहांस्ड कंसीडरेबल जो देख पे प्रोटीन सहित आम जो किसी विटामिन नवा दैट मीन से कौन हम तार एक्टिविटी बढ़ी जाए पे तो टे मन पक पे देख आम बॉडी जो विटामिन अभाव हम आम बहुत गुड़े रोग हो कौन देख पे विटामिन के आम बहुत परिमाण नौ चुके ना कि देख आम जो कि रोटी खाला बेलू गोटे 4-5 रोटी खाई दूथ भात खाला बेलू पिछे खाई दूथ बोले बट जो प्रोटीन ना बेलू पिले सीटा भी अधिक अमाउंट नहीं पार बट जो विटामिन कथा आसा बेले बोले विटामिन सब कम परिमाण कंज्यूम करा जाए है बोले कहीं विटामिन बॉडी को कम परिमाण दरकार किंतु तार डेफिशिएंसी होगले बोले बहुत गुड़े रोग हो जाए तो तेणुकर बोले विटामिन नीड हूँ आम बॉडी को कम अमाउंट बट जितकी नीड अच्छे बोले बहुत इंपोर्टेंट यदि एपट सब टिके मैंने डिफरेंट टाइप रोग हो देखिए विटामिन बी कम ही आसो तो देखिए कौन हम ये नख गुड़ा टे जो ऊपर गुड़ा लेयर छाड़ जाऊ बोले है तो सेमती विटामिन जब अभाव बोले बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम आस देखिए पे जगह कौन हम ये नेल व्हाइट व्हाइट स्पॉट गुड़ा आसा विटामिन अभाव पिले तो एम बहुत गुड़ाए जिन अच्छे बोले विटामिन अभाव हुए है विटामिन आम कम परिमाण दरकार किंतु तार इम्पोर्टेंस बहुत पिले देखो सिंपली विटामिन काम कौन ये देख पे ये सब्सटेंस आम यूज कले एंजाइम एक्टिविटी बढ़ापाई तो कौन एंजाइम कहले जेनराली विटामिन गुड़ाक कौन एंजाइम हिसाब से यूज करा जाए पिले तो कौन देख ये विटामिन गुड़ा कौन करना जो एंजाइम आम यूज करे
तार एक्टिविटी को बढ़ाई देवे तार परफॉर्मेंस को बढ़ाई देवे हला बोले तेणुकर देख जिते विटामिन देख बोले अभाव ना जन देह दैट मीन सी हृष्टपुष्ट थी सब ओके जदि कौन से विटामिन कमीगला तो तार डिजॉर्डर पलैसी है बोले दैट मीन कौन हम जो जाए विटामिन तुम बॉडी अच्छे प्रॉपर्ली वर्क हम सब दैट मीन सब ठीक ठाक रहा हेल्दी रदि कमीगला दैट मीन रिएक्शन स्लो होजाम रिएक्शन स्लो हो दैट मीन बॉडी रे प्रॉब्लम देखा है बोले तो ये है नेक्स्ट जी बोले द एक्टिवेटर्स आर जनरली ये देख मेटल आयन्स गुड़ाक एन ए प्लस एम जी टू प्लस सीयू टू प्लस सीओ टू प्लस एगुड़ाक दिज मेटाल आयन्स आर विकली बॉन्डेड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इनक्रीजेस देयर कैटालीटिक एक्टिविटी एम कौन करेंगे बोले होंगे एक्टिवेटर गुड़ाक है कोएंजाइम गुड़ाक एम कौन हे एंजाइम सहित अटैच हो जाए विक बॉन्ड द्वारा तब कौन हम ये एंजाइम कैटालीटिक एक्टिविटी को बढ़े देवे है बोले तो नेक्स्ट जो देख छ नंबर एंजाइम इनहिबिटर और पॉइजन है बोले एंड पॉइजन तो एंजाइम इनहिबिटर आ पॉइजन बहुत सेम बोले दैट मीन सी कौन कर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज स्लो डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर और पॉइजन्स बोली कहवा जेनेल देख बोले आम बॉडी एमती किसी फंक्शन होटा कि आम दरकार हो देख कौन हम कित कौन हो देख कि माड़ बाजिले सेफ्टिक कौन हम मानते से जगह धीरे धीरे नष्ट तो सी नष्ट नापाई है ना बस सुखी जीव बस नष्ट हे ना तो सेमती तो ताकू से जो नष्ट प्रोसेसटा को कमेपे आम कि गोटे मेडिसीन दवा से मेडिसीन गुड़ा पीले इनहिबिटर पॉइजन गुड़ा कम कर जहाँफल कि देख जो जिनस आम बॉडी नष्ट से जिनस नष्ट न करवाई से रिएक्शन कमे देवाई बोले आम किसी ड्रग यूज करना दैट मीन से कौन कर किसी से परफॉर्मेंस गुड़ा कमेदेव जो परफॉर्मेंस आम दरकार ना है ना वेस्ट हो बट होमको प्रॉब्लम हम है किसी परफॉर्मेंस किसी रिएक्शन आम बॉडी होगले आमको प्रॉब्लम हम से रिएक्शन को नवापाई आम कौन करवा इनहिबिटर दबा है इनहिबिटर काम हो बोले ये से रिएक्शन को बहुत स्लो करदेव और पूरा को पूरा बंद कर पूरा स्टॉप कर दे पार इनहिबिटर गुड़ाक तो जेनेली बहुत स्लो कर दिखती है बोले तो इनहिबिटर काम होमती तो बुझीपर सपोज देख बोले जब किए पॉइजन पीदेला कौन ता देह कौन से फूड पॉइजन होगा तो से फूड पॉइजन हेले बॉडी रे कौन हम प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो से प्रॉब्लम कमे बोले आम किसी इनहिबिटर नवा है तो इनहिबिटर ना कौन हम ताको से पॉइजन रो हार्मनेसटा कमेदेव देन ये काटदेवार अच्छे पॉइजन को बाहर कर देवा पड़े है बोले तो एमती है ये जो कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा आम देखे बोले तो एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट आम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखे ये सब देखे बोले हाउ यार आ गोटे जिन बाकी अच्छे बोले यार मेकानिजम देखीद टी ये जो एंजाइम कैटालिसिस गुड़ा जो भाई होती बोले आपको आम डिफरेंट मेकानिजम जो प्रपोज हो तो जो थे आम तक इजिली बुझीपर से आम एक्सेप्ट करवा बोले तो देख जोटा कि द मोस्ट एक्सेप्टेड मेकानिजम ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस इज नोन एज लॉक एंड की मेकानिजम मैंने जितकी बिल्ले जो मेकानिजम प्रपोज कराई से लॉक एंड की मेकानिजमटा जो बुझेवाटा हेल्प हो बिल्ले लॉक एंड की मेकानिजम ना बिल्ले आम कैटालिसिस प्रोसेसटा को आम बुझीपर भल से देख बिल्ले ये ताला आ चाबी अच्छे बिल्ले कौन गोटे चाबी सब ताला खोली जीव कि ना कौन सब ताला डिफरेंट चाबी खोली पार कि एटा भी ना दैट मीन्स देख पार्टिकुलर जो की ए पार्टिकुलर लॉक सहित बोले खोली पार तो बुझीपार देख ए खोलुचे दैट मीन्स एम कौन अलग गोटे की यूज कले खोल ना बा ए अलग कि नहीं अलग लॉक रे यूज कले हम ना दैट मीन्स ए पार्टिकुलर की पार्टिकुलर लॉक ही खोली पार तो सेमती बोले ये जो एंजाइम आउ सब्सट्रेट को लेकिन आम ये एंजाइम कैटालिसिस देखा बोले कि बोले एंजाइम आउ सब्सट्रेट ये सब्सट्रेट हेले बोले सब्सट्रेट माने होची रिएक्टेंट बुझे ये है तो देख एम कमी रिएक्शन हो देखा एंजाइम्स आर हाइली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंजाइम गुड़ा बहुत स्पेसिफिक आम जान लें यहाँ स्पेसीफिसीटा पढ़ले द स्पेसीफिसीटी अफ एंजाइम इज ड्यू टू प्रेजेन्स अफ सम स्पेसीफिक रिजन तो से किसी स्पेसीफिक रिजन अच्छे बोले कह आम एक्टिव साइड बोली ये एक्टिव साइड अच्छे तो तेणुकर स्पेसीफिक है बोले यहाँ कौट थी ये हूँ एंजाइम सरफेस थी तो ये सरफेस अच्छे बोले एमकर आक्टिव सैड कहीं कौन एर अच्छे
ଏତେ ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା ବୋଲେ ଦିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସି ଓ ଏଚ୍ ଓ ଏଚ୍ ଦେନ୍ ଏସ୍ ଏଚ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ା ସହିତ ସେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି ଏଇ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କେଉଁଥିରେ ବୋଲେ ୱିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ସକ୍ରେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରି କରିବ ୱିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଏମାନେ ରହିବେ ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହିଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବ ଏମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସିକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ଲାଗିବ ହେଲା ବୋଲେ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମେକାନିଜିମ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲେ ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ପାଇଲା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଜିଅନ୍ ଅଛି ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଜିଅନ୍ ଆସିକି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସି ଲାଗୁଛି ହେଲା ବୋଲେ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଟ୍ ଏମିତି ବୋଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସି ପାର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଟ୍ ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ବୋଲେ ମାନେ ଡେଫି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସି ଲାଗିବ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନିଯିବ ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ପିଲେ ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ପିଲେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଡିପ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନେଉଛି ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମେଥଡ଼୍କୁ ବେସ୍ କରି କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଇ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାନେ କିଏ ବୋଲେ ଯିଏ କାହାକୁ ଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଥିବ ହେଲେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯିଏ କେ ଫିଟ୍ ହେବ ଏଠି ଏସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଖ ବୋଲେ ଇଏ ଆସିକି ଏହାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ସେଠି ତ ଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆସି ବୋଲେ ଇଏ ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟେ ବନେଇବେ ପିଲେ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ବନିବ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଗିଥିବ ଏଠି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏମାନେ ଆସିକି ଦେଖ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଇ ଲାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସି ଲାଗିଯିବ ଯେମିତି ସେମାନେ ବନେଇବେ ବୋଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇବେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇବେ ହେଲା ବୋଲେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ତ ଦେଖ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେବ ବୋଲେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କଲା ପରେ ବୋଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇବ ବୋଲେ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇବ ତ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିଲା ପରେ ଏମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କଲା ପରେ ବୋଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ହେଲା ବୋଲେ ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନିଗଲା ତ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବ ଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦିନ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ବୋଲେ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ବୋଲେ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଭଳି ବାହାରିଲା ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ବୋଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ହେବ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଏ ଭିତରେ ଲାଗିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିଏ ଦେଖ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ଲାଗିପାରିବ ଯଦି ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆସି ଲାଗିପାରିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମେଥଡ଼ ବା ଏ ମେକାନିଜମ୍ ନେବାର ଅର୍ଥ ବୋଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସି ହିଁ ଲାଗିପାରିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସି ଲାଗିଯିବେନି ଏଠି ହେଲା ବୋଲେ ଦେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନେ ଲାଗିଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଲା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଠି ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାନେ ତମେ ବୁଝିବ ବୋଲେ ରିଆକ୍ଟ ଆଣେ ହେଲା ଆସିଗଲା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିଲା ବୋଲେ ଦେନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିଲା ଦେନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟେ ବନିଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ
प्रोडक्ट बनी गला परे देन ये एंजाइम रो सरफेस छाड़ी के चली जीव बोले प्रोडक्ट ही चली जीव तो यही भली भाव रिएक्शन कैटलाइज हो बोले ये तो बुझी पार या तो तार मेकानिजम जान ले तो चित्र माध्यम ये जो स्टेप होने दुईटा स्टेप कम्प्लीट हो बोले ये जो मेकानिजमटा दुईटा स्टेप कम्प्लीट हो दुटा स्टेप देखा बोले तो फास्ट स्टेप हो बोले स्टेप वन तो कौन हो बोले ये जो एंजाइम अच्छे बोले एंजाइम आउ सब्सट्रेट मिसिक बोले कौन हो तो ये एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स तैयार करते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स तैयार तो सेकेंड स्टेप कौन हो बोले सेकेंड स्टेप हो बोले तो ये जो एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्सटा एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्सटा कौन हो बोले ये एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स जाला एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स दैट मीन्स एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्सटा ये कौन हम एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स होगा बोले कौन हम यू बाहरी जीव देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आसो बोले एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आसो बुझीपाल ना फर्स्ट स्टेप कौन हो एंजाइम सब्सट्रेट मिसिक एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स तैयार करें सेकेंड स्टेप हो बोले जो एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्सटा फास्ट कौन हो एंजाइम कम एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स हो देन कौन हो बोले ये प्रोडक्ट गुड़ाक एंजाइम सरफेस छाड़िके चली जाती है बोले ये हूँ बोले मेकानिजम ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है बोले ठीक अच्छे आज क्लास में हम ये रखा बोले थैंक यू।